किरण देव जी हमारे जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक हैं, प्रदेश महामंत्री अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में वे लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसे समय में मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अरुण साव यहाँ पर मौजूद हैं। अभी किरण देव को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष, नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या मिशन 2024 को ध्यान में रख के ये निर्णय लिया गया? किरण देव जी हमारे जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश महामंत्री अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं और पार्टी ने एक अनुभवी और सक्षम नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं किरण देव जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में वे लेकर आएंगे। मेरी बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये अगर बात करें आपके कार्यकाल की, आपके कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि मिली, आप सत्ता तक पहुंचाए हैं यहाँ पर, आपके कार्यकाल की बात करें तो कैसा रहा आपका कार्यकाल? ये सही है कि बहुत चुनौतियों के समय में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, पर मैं जानता था छत्तीसगढ़ भाजपा के ताकत को। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है और हर एक बूथ तक मजबूत कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। उनकी बदौलत उन सब को साथ लेकर इतिहास रचने का काम विधानसभा चुनाव में हुआ है। एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसे समय में मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा। सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे सहयोग किया इस ऐतिहासिक जीत के लिए, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। एक आखिरी सवाल ये है कि आप 2024 की तैयारी में लग गए हैं, नया अध्यक्ष आपने बना दिया, कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म नहीं हो रही है, पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है? आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस मुक्त होने वाला है। चलिए, ये थे अरुण साव जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी जगह पे अब किरण देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 11 की 11 सीट लेकर आएगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अब ये क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। ठीक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना कार्यकाल को बेहतरीन कार्यकाल बताते हुए कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ किरण देव जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 11 से 11 सीट जीत कर आएगी और छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस से मुक्त होगा। हमारी ये बेबाक बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव दें और आप देखते रहें IBC 24 और मुझे और मेरे कैमरामैन संजीव सिन्हा को दे इजाजत। नमस्कार।